हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे MDX टोकन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने MDX टोकन को बहुत हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है और कंटिन्यूसली यहाँ पे वो नीचे की तरफ डंप कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम कैसे अपना जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसके अंदर अर्न कर सकते हैं। जो ऑलरेडी 40% 50% लॉस में है, तो उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा कि आपको किस हिसाब से आप उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना के अब अपने उस 40-50% लॉस को रिकवर कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको उससे बाहर आना है तो आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, तो सबसे पहले बिटकॉइन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करने के बाद अभी यहाँ पे ये रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये रीटेस्टिंग यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे MDX भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पे MDX जो है वो भी डाउन की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंसीडर करें तो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने ब्रेक किया था, तो आपको यहाँ पे बड़े चार्ट के ऊपर क्लियर हो गया होगा। सो अब यहाँ पे वापस देखें तो अभी यहाँ पे बिल्कुल रीटेस्टिंग मोड में है। तो अगर तो यहाँ से 49,500 के नीचे आ गया, देन हमारे लिए ये एक बैड न्यूज़ है। देन यहाँ पे अगर इस करंट 4 आवर चार्ट की बात करें, अगर थोड़ा वेट करेगा उसके बाद नीचे आ भी सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये है तो यहाँ पे सेफ जोन में है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये आ जाता है देन हमारे लिए यहाँ पे एक खतरा हो सकता है, देन बिटकॉइन जो है वो डाउन जा सकता है। तो MDX के ऊपर बात करेंगे तो MDX यहाँ पे मैंने बहुत पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बता चुका हूँ कि MDX यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है वो उस फॉलिंग वेज पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये वाला जो आपके पास अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, तो हम सबके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे MDX को बाय करना, क्योंकि फॉलिंग वेज पैटर्न में अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, पिछले चार्ट के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि MDX यहाँ पे पहुँचेगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके देखेंगे वहाँ पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। सो अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर ये चार्ट देखेंगे जो कि मैंने 28th of November को यहाँ पर शेयर कर दिया था, 20th of November आप डेट चेक कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने आप ये सजेस्ट कर दिया था कि यहाँ पे जो MDX है जो ये तीन चैनल्स के अंदर मूव कर रहा है, जो तीन ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है, इसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ये इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आएगा। तो जब वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आएगा वहाँ पर आप इसको बाय करना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। अभी जिन्होंने ऑलरेडी इसको बाय करना है वो वेट करें, नीचे आके वेट करें। जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं और नीचे आके एवरेज कर सकते हैं। तो अब करंट सिचुएशन की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो कंडीशन थी जहाँ पे ये नीचे की तरफ ब्रेक किया था। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे पास लेवल जो थे वो निकल के आ रहे, तो ये पर्टिकुलर जोन था हमारा नवंबर का, राइट, जब मैंने यहाँ पे इसको शेयर किया था। तब उसके बाद वो बिल्कुल नीचे की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव करने के बाद उसने जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी तो डेफिनेटली मैंने बोला था कि वहाँ तक टच करेगा ही करेगा, तो उसने डेफिनेटली टच किया। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होता या वो मेरे चार्ट्स को ध्यान से देखा होता, अगर आप ये लेवल के ऊपर बाय कर लिया होता देन आपको आज इस पर्टिकुलर लेवल से आपको यहाँ पे 40% की रिटर्न MDX ने प्रोवाइड कर दी थी। तो 40% जो है एक ह्यूज रिटर्न होती है, आपको 4-5 दिन के अंदर आपका पैसा 40% इंक्रीज़ हो जाए, राइट। तो अभी भी जिन्होंने होल्ड किया है वो भी यहाँ पे 20% की रिटर्न उनको अभी भी मिली हुई है। तो अब जो हो गया वो उसको छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो अब दोबारा अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोबारा अगर आपको 400 के ऊपर या 350 के ऊपर मिलता है देन आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अब जो इसका प्राइस जाएगा वो और नीचे की तरफ जाएगा। अगर बिटकॉइन वहाँ पे क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देता है देन इसका प्राइस और नीचे की तरफ जाएगा, और इसका जो प्राइस अब की बार जब नीचे जाएगा वो 350 से भी नीचे जाएगा, और 350 के बाद आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा अराउंड 300 के पास, तो 0.0300 के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस केस के अंदर ये जो प्राइस की मूवमेंट है अगर ये यहाँ पर एक बार बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये लेवल्स यहाँ पे टच कर सकता है, तो वो सेम चीज़ आ जाएगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगी और उस टाइम पे आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे एज अ सपोर्ट का काम करेगी। तो वो 300 कब आ सकता है, यहाँ पे 4th of Jan के अराउंड आपको या 3rd of Jan के अराउंड ये आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी तब होगी जब यहाँ पे बिटकॉइन अगर ये नीचे की तरफ क्लोज़ कर देता है, देन यहाँ पे ये आपका जो प्राइस है MDX का वो नीचे जाएगा। अदरवाइज़ MDX यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी कर सकता है और समहाउ ये अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, मतलब 0.500 तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और अगर ये 0.500 तक पहुंच जाता है तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर भी एक कप जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो तब ये इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 650 तक एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 650 तक इसका जो प्राइस है वो मूव कर सकता है। अगर स्मॉल कप की बात करें तो तब भी यहाँ पे जो प्राइस है वो 580 तक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जब बिटकॉइन जब यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगा तब हम यहाँ पे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसका प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है देन यहाँ से हमारे पास गेम सेफ हो जाएगी, तब 500 के ऊपर दोबारा एंट्री जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद जो लेवल होगा वो हमारे पास 800 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे, तब यहाँ पे कंप्लीट एक हमारे पास जो बॉटम है वो बनेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 800 तक का। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लो पे बाय किया है वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन उनको सेल कब करना है, अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है तब वो MDX को सेल करके दोबारा एक नए लेवल के ऊपर 300 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगी वो इंस्टेंट रिटर्न मिलेगी, 40% 50% ऐसे बढ़ेगा, राइट, एक एक दिन में आपको इतनी इतनी रिटर्न मिल जाएगी। तो ये उस हिसाब से जो इसके ऊपर सेफली खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो बॉटम है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है जो कि 800 के अराउंड हमें ये मिल सकती है। सो ये बॉटम यहाँ पे मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो बिटकॉइन अगर तो बढ़ना शुरू हो गया, क्लोजिंग उसके ऊपर मिल गई, तो 800 तक का आपका टारगेट रखिए MDX के ऊपर, आपका 800 तक टारगेट अचीव हो जाएगा, राइट। अगर नीचे की तरफ बढ़ता है देन आप यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर उसको सेल कर देना जिन्होंने 350 के ऊपर एंट्री ली है, और दोबारा लो के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाकी इंडिकेटर्स की बात करें मूविंग एवरेज की वो दोनों बहुत ऊपर हैं। यहाँ पे पहली रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगी, दूसरी रिजेक्शन कहीं ऊपर जाके मिलेगी, तब तक ये लाइंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें है, तो अभी मूविंग एवरेज को ध्यान में नहीं देंगे। बोलिंगर बैंड की अगर बात करें तो अभी जो है वो इसका मिडल वाला जो पोर्शन है तो अपनी मिडल लाइन से ये अभी ऊपर है, तो अगर मिडल लाइन के नीचे आ जाता है देन आपको यहाँ पे ये 326 के अराउंड देखने को मिल सकता है। तो बिलो 350 डेफिनेटली आपको ये नीचे की तरफ मिलेगा ही मिलेगा, तब यहाँ पे ये बिरिश हो जाएगा, राइट। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज कर देता है और बिटकॉइन से थोड़ा सा नीचे आ जाता है तब ये ऑरेंज लाइन के नीचे आके नीचे वाली ब्लू लाइन तक पहुँचने की कोशिश करेगा जो कि 330 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है, और वहाँ पे आप दोबारा इसको बाई कर सकते हैं। तो मैं तो 300 यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप 300 के ऊपर इसको ले लीजिए अगर दोबारा मिलता है, देन 300 से फिर से 400 तक जाके आपको दोबारा एक क्विक प्रॉफिट ये आपको निकाल के दे देगा। तो अगर RSI वगैरह की बात करें तो RSI ऑलरेडी अभी काफ़ी हाई की तरफ चल रही होगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था जब RSI इसकी बिलो 25 थी, अराउंड 20 के अराउंड आपको इसकी RSI देखने को मिली थी, जैसे यहाँ पे 17 के अराउंड थी तब मैंने यहाँ पे इसको आपको बोला था कि आप 17 के ऊपर है आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। तो 17 के बाद जब RSI यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ने के बाद अब RSI 40 तक पहुँच चुकी है, तो 40 के बाद दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं 70 तक अगर बिटकॉइन भी ऊपर रहा, अदरवाइज वापस आपको ये 25 से नीचे मिल सकती है, तब आप दोबारा इसके ऊपर लेके एक और क्विक प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MDX टोकन प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको किसी और टोकन या कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं या आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट की और ऐसी प्राइस प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।